कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और कहते हैं अब मैं तुझे जो कथा सुनाऊंगा सृष्टि रचना की, इसलिए मैंने ये कथा सुनानी पड़ी कि कोई भी परमात्मा से परिचित नहीं है। अपनी महिमा परमेश्वर ने आप ही बताई और ये सृष्टि रचना का यथार्थ ज्ञान भी प्रभु ने दिया। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु के अंदर प्रवेश करके यो ज्ञान बोला, ब्रह्म ने बोला। और ये कहता है गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, ये ना जान के हम और तुम अभी प्रगट हुए हैं, और ये राजा लोग सैनिक ये पहले भी थे, तू भी था, मैं भी था, और आगे भी हम रहेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर श्लोक नंबर 9 में चौथे अध्याय में कहा है मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है, मेरे जन्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को न तो ऋषि लोग जानते न देवता जानते, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म का जन्म तो हुआ है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता और ये वशिष्ठ मुनि जैसे ऋषि ये नहीं जानते इसकी उत्पत्ति को, ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म के जन्म को। अब यहां विचार करना पड़ेगा कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और ऋषि ब्रह्म की के जन्म को, उत्पत्ति को नहीं जानते, क्यों नहीं जानते, क्योंकि ये इनका पिता है, तो पिता की डेट ऑफ बर्थ पुत्र नहीं जान सकते जब तक पिता नहीं बतावे। और पिता यूं बताता नहीं किसी को, ये गुप्त रखता है, क्योंकि ये काल सबको धोखे में रखे हुए यथार्थ से बहुत दूर रखता है, क्योंकि ये एक ऐसा जुल्म कर रहा है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खा रहा है, इसलिए ये अपने इस कुकर्म को दबाए रखने के लिए, छुपाए रखने के लिए किसी को सच्चाई नहीं बताता, ना ब्रह्मा को सच्चाई का पता, ना विष्णु को, ना शिव को। कहने का भाव है फिर अन्य को तो मतलब है नहीं, किसी ने मेरा पता लग गया, इसलिए ये सच्चाई नहीं बताता। तो इसके जन्म को, यानी जैसे पिता के जन्म को दादा बता सके, पिता के जन्म को दादाजी बता सकते, यानी पिताजी का पिताजी। तो कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अर्थात उस परम अक्षर ब्रह्म ने आकर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि और इस ब्रह्म की उत्पत्ति को स्वयं बताया, और ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उत्पत्ति को बताया। कैसे? धर्मदास ये जग बोरान कोई न जाने पद निर्वाण,
यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। पहले तो राम की परिभाषा से परिचित हो। राम कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, रब कहो, अल्लाह कहो, ये एक शक्ति बोधक शब्द है। जैसे साहब कहो, जैसे हम कहते समझिए कि जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब एक प्रांत के, और मुख्यमंत्री साहब, फिर प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब, ये साहब शब्द जो है शक्ति बोधक है। स्वामी कहो, मालिक कहो, प्रभु कहो। तो ऐसे ही तीन लोक के राम यानी साहब, प्रभु, मालिक, ये ब्रह्मा रजगुण, ब्रह्मा और विष्णु और शिव है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं, मालिक है, मंत्री रूप में मालिक समझो। जैसे रजगुण विभाग का ब्रह्मा जी और सतगुण विभाग का विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। और कौन से लोकों में? पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इन तीन लोकों में केवल एक एक विभागीय मंत्री साहब है। इनका पिता जो है ये ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड का साब है, राम है, मालिक है, स्वामी है। और ब्रह्म जो अक्षर पुरुष, गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो भगवान कहे, दो पुरुष कहे, एक सरपुरुष, अक्षर पुरुष कहते हैं इस ब्रह्म को, और अक्षर पुरुष पर ब्रह्म को। तो ये सरपुरुष तो 21 ब्रह्मांड का मालिक है ब्रह्म, और परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म, ये 7 सांख ब्रह्मांड का साब है और ये भी अविनाशवान है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो वास्तविक भगवान तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से। सरब्रह्म कहो, इसको अक्षर ब्रह्म कहो, तो वो तीसरा परम अक्षर ब्रह्म है और वही परमात्मा कहलाता है। ये लोक चरम आविश्य विवर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका सबका धारण पोषण करता है, सबका, इंक्लूडिंग ब्रह्म, परब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी का, यानी सभी के कर्म का फल, वर्क डन, वो परमात्मा ही विभाजित करता है, निर्धारित करता है। तो ऐसे क्या बताना चाहते हैं कि वो पूर्ण पर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का राम है। परब्रह्म केवल 7 संख्य ब्रह्मांड का राम है, प्रभु है, और पूर्ण परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म, कबीर देव, असंख्य ब्रह्मांड का राम है। तो अभी तक हमारी बुद्धि कहां तक सेट थी? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपद्ये, बहुत बहुत के जन्म जन्मांतर के किसी अंत के एकाद जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ब्रह्म साधना करते हैं, मुझ ब्रह्म की पूजा करते हैं, नहीं तो नीचे की ब्रह्मा विष्णु महेश और आन उपासना इन मंदिर मस्जिदों तक ही सीमित रहते हैं। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपद्ये, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है कि वासुदेव अर्थात वासुदेव का अर्थ होता है जो ओवर ऑल मालिक, सब जगह जिसकी सत्ता हो वो वासुदेव कहलाता है। अभी आपको बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में, इन 3 लोकों से अलग 14 लोक और हैं, भवन और हैं, उन उन में इनकी प्रभुता नहीं है इसी ब्रह्मांड में, लेकिन इस पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पर ये तीनों देवता एक एक विभाग के
राम है, साब है, स्वामी है, मालिक है, प्रभु है, हरि है, और इनका पिता जो है ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड में राम है, इनका कुल मालिक है। और ब्रह्म और परब्रह्म जो है सात संक्रमण का मालिक है। ये सब सर्वव्यापक नहीं है, सब जगह इनकी सत्ता नहीं है, ना ब्रह्म की है, ना परब्रह्म की है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की है। इसलिए ये वासुदेव नहीं है। वासुदेव माने सब जगह बसा हुआ, सब जगह जिसकी सत्ता है, प्रभुता है। अब वो वासुदेव कौन है जो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, कुल मालिक है, परम अक्षर ब्रह्म, जो ब्रह्म परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी स्वामी है, जिसकी सत्ता है, वो है वासुदेव। और वही उसी की पूजा करनी चाहिए, वही पाप नाशक है, वही परम शांति दायक है, वो पूर्ण मोक्ष दायक है। अब गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, इति यह जो बतावेगा, स महात्मा स दुर्लभ है, वो संत तब मुश्किल से मिलेगा। अब वो संत परमेश्वर ही बनकर आया था, वो तत्वदर्शी संत खुद मालिक आए थे, क्योंकि ये नियम है, ये काल किसी को सच्चाई से परिचित नहीं होने देता, और वो दयालु भगवान स्वयं आता इस गंदे लोक में, और काल से प्रेरित होकर के उन्हीं के बच्चे इस काल के कुएं की भांग पी के अपने ही परम पिता का पत्थर मारते हैं, गालियां देते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि काल ने हमें मेंटल कर रखा है, हमारे को इतना नशा कर दिया ज्ञानता और यहां की माया का, प्रभुता का, हम अपने पिता को ना पहचान कर उसके पीछे पड़ लेते। तो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं, पूर्ण ब्रह्म सतलोक में रहते हैं, ऊपर एक स्थान पर रहते हैं, और वहां बैठकर सबका कंट्रोल करते हैं, अपने वचन से अपने विधान बनाकर छोड़ दिया। परमेश्वर ने विधान बनाकर छोड़ दिया, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, और स्वयं भी स्पीड से घूम रही है, और ऐसे भी घूम रही है, उस मालिक कबीर परमात्मा के आदेश पर। और अरबों खरबों वर्ष हो गए इसको इसी तरह घूमते हुए, एक सेकंड का भी अंतर ये नहीं कर सकती, उस प्रभु का आदेश है। ऐसे ये ब्रह्मांड घूम रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि उस परमेश्वर के हुक्म से ही सर्व ये क्रियाएं हो रही है। तो उस मालिक को हम भूल गए, वो परमात्मा सतलोक में बैठा है, और उसने अपना विधान वजन से बनाकर छोड़ दिया, सब पदार्थों में गुण भर दिए, सभी का बीज बनाकर फेंक दिया पृथ्वी पर, और उसके विधान से वो अपने आप उसी आदेश से। अब आप देखते हो घिया और तोरी का बीज क्या होता है, एक छोटा सा इतना एक पत्ता सा होता है, और उसको मिट्टी में दबा देते हैं, क्या उत्पन्न होता है, अंकुर फूटता है, पौधा सा बन जाता है, फिर इतनी लंबी बेल बन जाती है, और फिर उसको इतनी लंबी लंबी घिया लगती है। ये क्या उस ये कहां से आई ये क्रिया, ये मालिक के हुक्म से प्रत्येक बीज में उसके वचन शक्ति काम कर रही है। जब हम अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तब हमारी आत्मा एकदम फड़क जाएगी, सब मालिक बना रहा है। अब देखो हम मनुष्य हैं, मानव का जन्म, मानव का उत्पत्ति कैसे होती है, सर्वविदित है। पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था तो बाहर विसर गया पी, एक पानी की बूंद से और के एक चीकले से की तरह हमारा शरीर प्रारंभ होता है, और फिर देख मालिक की दया से क्या बन जाता है उससे, क्या ये उस जल ने बना दिया, नहीं, ये मालिक के आदेश ने, वचन ने उसमें शक्ति दे रखी परमात्मा ने अपने वचन की, कि इससे ऐसे ऐसे बनकर फिर देख कितने सुंदर अंग, दांत, नाक, कान, और किसी का एक दूसरे से मेल नहीं खाता। तो क्या ये किसी अपने आप बन गया, नहीं, उस मालिक का आदेश, उसका हुक्म सब जगह चलता है। वो कौन है, वो पूर्ण ब्रह्म है। तो वो परमात्मा
तो क्या बता रहे हैं, परमेश्वर स्वयं ही आके यदि आते ही प्रभु ये कहें कि मैं भगवान सो आ जाओ मेरे पास, दूते मारे डड़े मारे बकवाद करे तो अपने आप को भगवान कहता है, क्योंकि हमने भगवान की परिभाषा उलट सुन रखी है। इन नकली गुरुओं और संतों ऋषियों ने हमारे को बुद्धि भ्रष्ट कर रखा है, अपनी छुरी बना दी, अपना विधान गलत बना, जो शास्त्र और वेदों के विरुद्ध विधान बताकर हमें रंग दिया। परमात्मा निराकार है, वो कभी साकार रूप में नहीं आता है, ऐसा कोई कहता है तो मूर्ख है, उसकी बात मत मानो। और वो क्या कहते थे ये ऋषि और महर्षि, ये कहते थे हम वेदों को ज्ञाता है, वेदों में भगवान निराकार लिखा है, एक देश ये नहीं है, एक स्थान पर नहीं रहता वो तो कण कण में व्यापक है, निराकार है। जबकि वेद बताते हैं वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से चलकर गति करके अपनी प्यारी आत्माओं को आकर के अपना ज्ञान समझाता है। जब वेद सही है और जो हमें ज्ञान देते थे कि हम वेदों के अनुसार ही बता रहे हैं, तो जो वेद सही है तो उनकी छुरी गलत है। जो निराकार और सर्वव्यापक बताते थे और एक देशीय नहीं बताते थे, परमात्मा एक स्थान पर रहता है और वही अन्य रूप धारण करके भी यहां पृथ्वी लोक पर आता है। हम सभी को सत भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए अब क्या बताते हैं, धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाण। अब इससे पहले एक कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आता है और अपनी प्यारी आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता, अच्छी आत्माओं को जो पुण्यों के धनी होते हैं, क्योंकि वही जल्दी मानते हैं बात को और मान लेते हैं फिर उठते नहीं हटते, वो चाहे पृथ्वी दर से इधर हो जाए। पुण्यात्माओं उस समय तो परमात्मा किसी एकाद को मिले आकर और उनको ऐसा दृढ़ कर दिया कि वो आज तक परमात्मा के गुण गा रहे हैं, उनकी लिखी हुई वाणी आज तक प्रमाण है। तो उसी प्रकार उस परमेश्वर ने इस दास को यहां भेजा और आप जी को अब वर्तमान में उस सत्य ज्ञान से इतना परिचित करा दिया, आप भी इतनी ही पुण्य आत्माएं हैं और आपने इस ज्ञान को इतना गहराई से समझा। अब पीछे क्रोथाकांड जो करवाया, उन स्वार्थी और झूठे कपटी लोगों ने झूठ बोल बोल कर जनता को भ्रमित कर दिया और सच्चाई से दूर कर दिया और इतनी झूठ बोल दी कि क्रोथाश्रम में ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन जो इस ज्ञान से परिचित हो गए थे वो उल्टे नहीं हटे। इतना जबरदस्त जो है ना झूठ का तूफान फैला दिया था, फिर भी ये प्यारी आत्मा डगमग नहीं हुई। ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं और इन्हीं के लिए खड़ा हो रहा है। अब वो झूठ बोलने वालों ने क्यों बोला झूठ, क्योंकि उनके अज्ञान की पोल खुल गई। वो जो पुस्तक बेच के दुनिया को जो है ना ठगते थे इस सत्यार्थ प्रकाश जैसे अड़ंगे ने, और इसके नाम पर चंदा इकट्ठा करके पता नहीं कितना फंड कर रहे थे, अब उनकी पोल खुल गई तो उनकी रोजी रोटी के लाले पड़ गए, उन्होंने ये बकवाद फैला दी। लेकिन जो परमात्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो उल्टी नहीं हटी, क्योंकि वो परिचित थी इस ज्ञान से। उनको पता था कि उनका पेट में दर्द क्यों हो गया, क्योंकि उनकी दुकान बंद होगी। तो ऐसे ही उस समय तो एकाद आत्माएं थी, क्योंकि बाकी अशिक्षित थे। जब परमात्मा पहले आकर मिले, चंद आत्माओं को ही ये श्रेष्ठ ज्ञान दिया, और अब सब शिक्षित है, अब सभी को देना है ये ज्ञान। और आज बुद्धिमान समाज, मानव समाज है, एक बार इस ज्ञान को समझ कर उल्टा नहीं हट सकता, चाहे पृथ्वी पलट जाओ, क्योंकि हमने भगवान चाहिए और उसी के लिए भ्रम रहे हैं, भटक रहे हैं, और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है ये भी हम समझ रहे हैं। बच्चे संतान उत्पत्ति करना, इनकी पालन पोषण कर देना, फिर इनकी ब्याह कर देना, फिर मर जाना, ये क्या इतना ही मनुष्य जीवन का काम था? नहीं, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं और आपसे भी प्यार से कर रहे हैं, वो यूजलेस है। इस मनुष्य शरीर के अंदर मनुष्य मानव शरीर का मुख्य कार्य परमात्मा पाना है,
नहीं तो इस मट्टी का कोई यूज नहीं, यूजलेस से अड़ राष्ट्रपति बन जा, अंत में खाली हाथ जागा। तो अब पहले ये प्रमाण देंगे कि वेद भी यही बता रहे हैं जो परमात्मा कहते थे, चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग जुगता ढेल रे। परमेश्वर कहते हैं चारों युग में आया मैं, सतयुग में सतसुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए, त्रेता में मुनिंदर नाम से और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वही परमात्मा कबीर नाम से प्रकट रहे और प्रसिद्ध होंगे और यही नाम आखिर तक चलेगा। एक जीवन वो परमात्मा ऐसा लीला करते हैं, उस जीवन लीला जीवन काल में वो अपना पूरा यथार्थ ज्ञान लिपिबद्ध करवा जाते हैं, और वो शक्ति वो भक्ति और वो चमत्कार ऐसे सुख उस समय देकर जाते हैं जो भगवान ही दे सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए परमात्मा आकर के अपना सच्चा ज्ञान बता करके अपने ही विषय में और अपनी समर्थता का प्रमाण देकर जाते हैं लाखों लोगों को, किसी के रोग ठीक हुआ, किसी का व्यापार ठीक हुआ, किसी के संतान नहीं थी संतान हुई, कोड़ी को काया मिली, अंधे को आंखें दी परमात्मा ने। जब ये बनारस में आए थे 120 वर्ष रहे थे, तो वो लीलाएं आज उनकी हिस्ट्री में जीवनी में लिखी हुई है और वही आज वेद प्रमाण कर रहे हैं। वो परमात्मा जब आता है ऐसी लीलाएं करता है। तो अब आपको ऋग्वेद दिखाते हैं, ऋग्वेद जो प्रमाणित करेगा कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है और एक स्थान से जहां वो रहता है वहां से चलकर गति करके आता है और वो मनुष्य की तरह साकार है, अपने यथार्थ ज्ञान को से परिचित कराता है। ये देखिएगा पवित्र ऋग्वेद, ये कहां से छपा है, प्रकाशक है सार्व देशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फोन नंबर ये है। आर्य भाषा भाषे महर्षि दान सरस्वती कृत, आगे देखना कहां से छपा, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौ दी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब हम इसमें आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 और 27। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 इसके 26 पृष्ठ मंत्र में क्या लिखा है, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने साधना, भक्ति करने वाले भक्तों के लिए सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब रास्ते खोलता हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी परमात्मा का जो रूप है सतलोक में, परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है सतलोक के अंदर, वो मनुष्य दृश्य तो है ही है, लेकिन उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिलाकर करोड़ चंद्रमा तो भी रोशनी फीकी रह जाए उन करोड़ चंद्रमा और करोड़ सूर्यों के प्रकाश की, इतना तेज है उस मालिक के एक रोमकूप में, इतना तेजों में शरीर है। तो वो फिर अपना हल्का तेज पुंज का शरीर अन्य शरीर धारण करके हल्के तेज का, और फिर यहां आता है पृथ्वी लोक, अपने रूप को सरल करता हुआ, कति क्लियर, जैसे तेज पुंज तंदे धरकर इस विधम को भेंट ही। वो परमात्मा कबीर जी अपना तेज पुंज अन्य तंदे धरकर
वो इस विध हमको भेंटी, इसलिए हमें आकर मिलते हैं, अपना रूप को सरल करके आते हैं, अन्य रूप धारण कर लेते हैं। और यही पवित्र वेद बता रहे हैं। देखिएगा, अब यहां लिखा है, देखो, गा करवानो निर्जन हरियत कबीर अतः, कबीर, अब इसको हम कबीर बोल देते हैं, कबीर, क्योंकि हम वै को वै बोलते हैं, तो इन्होंने कवि का अर्थ क्या किया है, कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, हम इसको कबीर देव लिख दें यहां पर, कबीर देव, क्योंकि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर, हम उसको कबीर करने लग गए, वै को हम वै बोल देते, इसलिए कबीर देव लिख दें यहां पर, कबीर देव है वो, भगवान कबीर है, पर हम इसमें अभी ना बढ़े, लेकिन ये देखें कि इसमें क्या लिखा है, कि वो परमात्मा यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ है, उसके सारे रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान परमात्मा सर्वज्ञ, यह लिखना चाहिए था, वो कबीर देव कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी वहां से चलता हुआ, जैसे बिजली की तरह बिजली की गति से चलता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, यानी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, प्राप्त होता है या उनके पास आता है। अब यही भगवान कहते हैं, पहुंचूंगा चन एक में जन अपने के हेतु, एरना कुछ उदर विदारी या हम ही रावण मारा खेत, कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक क्षण में पहुंच जाता हूं मैं अपने भक्तों के पास, और वही वेद बता रहे हैं कि वो बिजली की गति से अपने श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिल जाता है सेकंड में, हर सेकंड में, हर सेकंड के भी कुछ अंश में। अब देखो, अब 27 में देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया, 27 देखें। प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतीति को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं, प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा झूलोक के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है, विराजमान है वो परमात्मा, एक देशी है, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और प्रकाश स्वरूप है, यानी तेजो में शरीर है उसका, उनको बुद्धि वृत्तियां प्रकाश करती हैं। अपने आत्मा देखो, वो परमात्मा धूलोक यानी तीसरे मुक्ति धाम में, सतलोक के धूलोक माने ऊपर तेजो में लोक में, और तीसरे पृष्ठ पे उसके तीसरे भाग में, अंतिम भाग में विराजमान है। अब पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं, वो परमात्मा एक स्थान पर है, वहां रहता है, स्पष्ट हुआ कि वहां तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ यानी स्थान पर, धाम पर, तीसरे स्थान पर यानी तीसरे पोर्शन में रहता है। दूसरे शब्दों में यह है कि जैसे ये पृथ्वी 21 ब्रह्मांड काल का धाम लोक है और 7 संग ब्रह्मांड पर ब्रह्म का है ये दूसरा लोक, और तीसरा धाम, तीसरा लोक जो सतलोक है, उस तीसरे सतलोक में परमात्मा रहता है, इसका इसी अर्थ ये बनता है, और वहां से चलकर आता है। अब देखिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का 1-2-3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1 यहां से शुरू होता है, ये एक है, इसमें क्या लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला यानी पाप नाशक है, वह राजा के समान
दर्शनीय है, राजा की तरह दिखाई देता है, राजा के समान। राजा के समान दर्शनीय है, समान दर्शनीय यानी साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्त पुरुषों को जो दृढ़ भक्त है उसको, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उसको मिलता है। अब दूसरे मंत्र में क्या लिखा है, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप यानी सच्चा ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हो बहुत तेज चलने वाले की तरह चलते हो, और हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं, जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहां पर आते हो। आप कवि हैं, कबीर, ये कबीर शब्द है ना, कबीर या कवि ही लिख दिया इन्होंने, इन्होंने लिखा आप सर्वज्ञ हैं, हम इसको कह दें आप कबीर देव हैं, बस आप कबीर देव हैं, इन्होंने सर्वज्ञ लिखा, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दे। अब देखो तीसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का तीसरा देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र तीसरा, इसमें क्या लिखा है कि पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए यानी वहां से चलकर सर्वव्यापक आप, सर्वव्यापक नहीं, आपका अर्थ है आप स्वयं गतिशील होकर वहां से चलकर गतिशील बन चलकर विराजमान होते हैं। आप कैसे हैं, सबके तर्पक हैं और सबके रक्षक हैं, और बड़े से बड़े गतिशील पदार्थ के नियंता हैं, यानी बड़े से बड़ा पदार्थ गतिशील जैसे पृथ्वी ग्रह पर सूर्य सबके नियंता हैं, सबके कंट्रोलर हैं, और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के केंद्र होकर आप सब पदार्थों में रक्षा को उत्पन्न करते हैं। यहां से हमने वेदों से केवल इतना ही सहयोग लेना था कि वो परमात्मा एक स्थान पर रहता है तीसरे मुक्तिधाम सतलोक में, और वहां से चलकर अपने उपदेश अपने श्रेष्ठ आत्मा दृढ़ भक्त को आकर मिलता है, जो टूटा नहीं तोड़ा हुआ भी एक बार ज्ञान समझवाने के बाद उनको युगान देता है, और वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। तो उन अच्छी आत्माओं में से एक महर्षि रामानंद जी भी थे। पुण्यात्माओं ये प्रसंग जो चल रहा था कल कि परमेश्वर अपने इस वचन के साथ, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल ला गया फिरू हूं जब तक धरती आकाश। पुणात्माओं आप कभी किसी युग में परमेश्वर कबीर जी के शरण में रहे हो, आपके ऊपर उनका पंजा अवश्य हुआ है, आपने उनके द्वारा दी गई भक्ति भी कुछ की है, सेवा भी उनकी की हुई है किसी युग में, जिस कारण से वो परमात्मा आज भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। पहले तो 600 साल पहले 120 वर्ष तक आपके पीछे पीछे स्वयं फिरे, जहां जहां कोई किसी भी मजहब धर्म काल ने ठोक रखा था उन्हीं को वहीं से निकाल कर लाए, और फिर आपको भक्ति बीज बोगे। 64 लाख शिष्य हुए थे कबीर जी के सन 1398 से सन 1518 के बीच 120 वर्ष में 64 लाख शिष्य परमात्मा के हुए थे शिष्य, और उनको परमात्मा ने ये प्रथम मंत्र दिया था आप जी को, और मंत्र आपको नहीं बताया क्योंकि काल के दूतों का हाथ लग जाता। तो ये 5 नाम दिए थे, 7 भी नहीं दिए थे जो अब आपको पहला और लास्ट वाला उसमें नहीं बताया गया था, तो केवल 5 नाम दिए थे ताकि आप में भक्ति बनी रहे, आस्था बनी रहे और आपके मनुष्य जन्म होते रहे।
आप देखो एक व्यक्ति तो ऐसा है, उसने कितना कह ले समझा ले, कति भक्ति नहीं करना चाहता, सारी बकवाद करेगा। उसने कभी मनुष्य की, अभी वो मनुष्य जीवन से नहीं आया तुरंत, वो पशु जूनी भोग कराया हुआ, लक्ष 84 भोग कराया। और आप जी हैं बगैर किसी के कहे ही कोई ना कोई भक्ति का साधन अपनाए हुए थे, कोई माता धोक रहा था, कोई किधर गणेश जी की पूजा कर रहा था, कोई किसी भैरव भूत की पूजा करते थे, किधर मंदिर में जाते थे, यानी कुछ ना कुछ आड़ पकड़ रखी थी। आप मनुष्य जीवन से आए हुए प्राणी हो, पीछे भी आप मनुष्य ही थे, और अब इस भक्ति को ग्रहण करने लग रहे तो सबसे उलट और उठपटांग नजर आती है। लेकिन सदग्रंथों को देखकर आप पहचान लेते हो कि सत्य मार्ग यही है। तो आपको भक्ति के दोबारा आपकी बैटरी चार्ज करके परमात्मा 600 साल पहले आ गए, और उसी बैटरी से आप अभी तक मनुष्य शरीर प्राप्त करते हो, और उस भक्ति से जो कुछ समय मालिक के साथ रहकर आपने भक्ति की थी, उस समय परमात्मा को पता था कि ये काल के दूत अब मेरे बच्चों को मुझे पहचानने नहीं देंगे, क्योंकि ये सारी उल्टी कहानी घट रहे हैं, और जो सारी नसची लगे बोली आत्माओं ने कि कबीर अनपढ़ है, अशिक्षित है, इसने संस्कृत का ज्ञान नहीं, इसलिए वेदों और पुराणों को यह समझ नहीं सकता, झूठ बोला है। परमात्मा को पता था कि इनकी पोल खोल लूंगा झूठेंगी, कि यह बिचली पीढ़ी शिक्षित करनी थी दाता ने, अब शिक्षित करके आपको यदि शिक्षा का कोई लाभ है तो अब मिलेगा, नहीं तो पेट भरने का धंधा तो अशिक्षित भी करा करते। अपने पूर्वज थे 50 साल तो पहले जितने थे, कोई नहीं पढ़ा करता रहा, अपना सारे बढ़िया टाइम पास कर गए। अब जो रोजी रोटी के लिए तुमने शिक्षा को मान रखा है, ये नहीं था इसका उद्देश्य। इसका असली उद्देश्य शिक्षा का ये था कि आप अब भगवान को पहचान लोगे और मालिक को पा जाओगे, सतलोक चले जाओगे, पीछा छुटवा लोगे इस असंग जन्म के अरहट के कुएं। तो जब परमात्मा, तो अब आपको जो उसमें परमात्मा आकर के मिलते थे, तुम पहचान नहीं सके प्रभु को, और अब हम शिक्षित हो गए तो अब भगवान को हम पहचानेंगे। अब हमने इतना ही इस वेदों से यह प्राप्त करना था कि परमात्मा साकार है, सतलोक में रहता है, वहां से चढ़कर आता है और अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। अब जैसे प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा जो महर्षि रामानंद जी थे, ये कौन थे और किस कैसे उनसे मिले, के जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया थरू जब लग धरती आकाश। सतयुग में यही आत्मा ऋषि रामानंद जी की विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि थे, और फिर यही आत्मा फिर त्रेता युग में वेद विद नाम के ब्राह्मण हुए, और उस समय परमात्मा सतयुग में भी इनको बालक रूप में मिले और त्रेता युग में भी इनको ऐसे बालक रूप धारण कराए। दोनों ही समय में ये निसंतान थे, दोनों ही युगों में, और फिर इनको ऐसी लगन लगी, ऐसी सेवा करी परमात्मा कबीर जी की, बालक रूप में पाल पोष के आगे इनको, इन्होंने शादी ही नहीं कराई कलयुग में आके रामानंद जी ने, और बाल ब्रह्मचारी रहकर ये भक्ति जैसी भी वो वेदों को ऊट पटांग ढंग से समझ रखा था, उसी को उसी का प्रचार करते थे और उसी में आश्रित थे। अब उस अपने विधान से कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, अब फिर एक शिष्य बन गए। उस आत्मा को काल से निकालने के लिए परमात्मा कितने विनम्र होते हैं और किस कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, कैसे सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, अरण्य से पूजो मार दूं और नरसिंह धर लूं साज, अपनी प्यारी आत्माओं के लिए मैं सौ छल छिद्र करता हूं, उनको सत ज्ञान बताने के लिए और यहां से काल के जाल से छुड़वाने के लिए। अब वो परमात्मा रामानंद जी को की शरण में जाकर
और उसको शरण में लेते हैं। देख खेल मालिक का कैसे काल के किले काल के गढ़ को कैसे तोड़ा परमात्मा ने, रामानंद जी के ऊपर जो छाया हुआ था बनाया हुआ था। काल ने रामानंद जी को महर्षि पका दिया, लोगों में बड़ी महिमा हो रही थी, भैया ऐसा विद्वान रामानंद जी जैसा कोई नहीं, चारों वेदों का ज्ञातार, गीता जी का ज्ञातार, पुराणों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उन्हीं को है। ऐसे लोक वेद के आधार से वो प्रभु पाक रहा था, स्वामी जी महर्षि को आवा था और वो आवाम उड़ रहा था, यानी प्रभु पाक गया। और प्रभु तो एक ही है, अगर दूसरा कोई अपने आप को साब कहलवाता है तो उसकी मूर्खता है, यानी दूसरा अपने आप को कोई भगवान की पद पर रख छोटे मोटे 100, 2000, 2000 को मूर्ख बनाकर और उनसे साब कवा रहा है, वो शत्रु है अपने आप का भी और शत्रु है उन भोली आत्माओं का और वो परमात्मा द्रोही है। और जब तक हम प्रभु बनेंगे परमात्मा को नहीं पा सकते, हम दास बनेंगे, हम बिल्कुल मिट्टी बनेंगे, तब इस मिट्टी में प्रभु की भक्ति उपजेगी। और वो रिहर्सल, वो उदाहरण परमात्मा देकर गए हैं सारी सृष्टि के मालिक होकर, और जगह जगह लिखते हैं कबीर दास कबीर दास कबीर दास। वो हमारे लिए प्रमाण देते हैं कि जब मैं यहां आकर के अपने को दास कह रहा हूं और तुम साब कहोगे फिर भक्ति करोगे, भक्ति नहीं कर सकते। साब की संज्ञा जब आप उपमा आपके लग जाएगी, एकदम आप में हवा सी भर देगा काल और वो हवा आपने ही पाट देगी। इसलिए हमने दास बनना है, विनम्र रहना है, अपनी जीव स्थिति से परिचित रहना है। चाहे राष्ट्रपति बन जाओ है, आपकी किस्मत है, लेकिन अपनी जीव संज्ञा को भूलना नहीं चाहिए। इस तत्व ज्ञान से याद रहेगी फिर गलती नहीं कर सकता जीव, भगवान से डर बना रहेगा। तो रामानंद जी के पास पहुंचने के लिए, काल के गढ़ को तोड़ने के लिए कैसी लीला करी प्रभु कबीर देव ने। एक तो काल ने जाल बना रखा धर्म का, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म से गला नहीं करे, और दूसरा गढ़ बना दिया हिंदू धर्म के अंदर ही जाति और पाति का। परमेश्वर जुलाहा जाति में धानक परिवार में कुल में आए, सहसरी राय और नीरू नीमा नाम के दो जुलाहे थे, पति पत्नी, वो नी संतान थे, परमात्मा को ले गए बालक रूप में उन्हें मिला। तो उस वहां पलने से वो धानक कहलाए जुलाहे। और रामानंद जी ब्राह्मण और 600 साल पहले तो छुआ था चरम सीमा पर थी, ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों के से भी बचकर चलते थे और शूद्र जाति वर्ण से तो बिल्कुल नफरत बहुत ज्यादा करते थे, दूर से निकलते थे, उनको पढ़ाते नहीं थे, शिक्षा तो वो ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को देते ही नहीं थे। और शूद्र को तो मतलब है कौन ही। तो इस प्रकार परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को की चौंध तोड़ने के लिए रामानंद जी ब्राह्मण बना बैठा था, जैसे एक नितानंद नाम के एक तहसीलदार थे और वो ब्राह्मण कुल में थे, फिर उनको ज्ञान होया, एक वैष्णव संत मिले उनको विष्णु जी के पास, गोमानी दास जी, उनके ज्ञान से जब वो परिचित हो गया तो वो समझ गया कि भाई तो गलत रास्ता अपना रखा है और हम इस जाति का अभिमान और पद का अभिमान हम बहुत गलत कर रहे हैं, ये हमारा शत्रु है। तो उसने क्या कहा था कि ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं, करता बहुत मरोड़। जब उसको ज्ञान हो गया और भक्ति पर परिपूर्ण ढंग से सच्चे समर्पित हो गया, उस समय कहा था कि ब्राह्मण कुल में जन्म था, 250-300 वर्ष पहले की बात है जब ब्राह्मण को देवता मान्या करते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था और करता बहुत मरोड़, मरोड़ माने अभिमान,
और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। यानी उस संत के ज्ञान से ये समझ में आ गया, यह तो बकवाद है सारी। आज ब्राह्मण हूं, कल मृत्यु हो जाए, मैं गधा बन गया, या किसी हरिजन इसका शेड्यूल कास्ट में जन्म हो गया, फिर रह गया ब्राह्मण तू। तो कहने अब इस ज्ञान से हम इस बनावटी काल के जाल से निकल सकते हैं, इसलिए ये ज्ञान दिया जाता है। तो उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, अंडी पा क्या अंडू था, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। ये कुबद का कला तोड़ दिया, वे मतलब के चौड़े फूले अंडा थे। तो इस परमात्मा कबीर जी ने रामानंद जी का कुबद का गढ़ तोड़ना था। एक रामानंद जी ने 1400 ऋषि बना रखे थे, जो उन्हीं के द्वारा निष्कर्ष निकाले हुए ज्ञान का आगे प्रचार किया करते थे फर्दर, और उनका उनको कुछ अक्षेत्र विभाजित कर रखे थे। उनमें से एक संत ऋषि विवेकानंद, जो रामानंद जी का शिष्य था, वो विवेकानंद नहीं जो रामकृष्ण परमहंस का शिष्य था, वो नहीं, ये पहले की बात। इनसे जो रामानंद जी के द्वारा बनाए हुए ऋषियों में से एक था, वो विवेकानंद अपना अपने क्षेत्र में अपनी जुरिडिक्शन में कोई दिन निश्चित कर रखा था उसने सत्संग करने का। तो उस दिन वो सत्संग कर रहा था और परमात्मा कबीर जी स्वामी रामानंद जी को वहां मिले थे, उन पर पंचगंगा घाट की पैड़ियां पर उन बालक रूप धारण कर लिया 250 वर्ष का, और सिर में खड़ा हूं लगी अंधेरे में, जब रामानंद जी नहाने के लिए गए सुबह सुबह, तो वहां दीक्षा का रूप अपने गुरु बनाने का बहाना किया था। तो क्या किया, परमात्मा के गले में कंठी माला नीचे, और ऊपर कंठी तो कर रखी थी नीचे को कमीज के नीचे, और तिलक लगा रखा जैसा वेशनु साधु लाया करें, और परमात्मा पहुंच गए वहां पर जहां वो ऋषि विवेकानंद सत्संग कर रहा था। अब विवेकानंद जी जो थे वो विष्णु जी के पुजारी थे, क्योंकि रामानंद जी भी विष्णु जी को ही इष्ट मानकर साधना करते और करवाते और बताते समझाते थे। तो विष्णु जी की महिमा गा रहे थे, विष्णु जी के विषय में जानकारी दे रहे थे सत्संग में, परमात्मा भी वहां जाकर बैठ गए कबीर जी। वो क्या कह रहे थे, विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, विष्णु जी सतोगुण है, ये लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, चार भुजाएं हैं, अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्ञ, और ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, यही तीन रूप धारण करते हैं, ये ब्रह्मावन रूप में सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप में सतीथि करते हैं, शिव रूप में संहार करते हैं, और इन्हीं की पूजा, यही सतोगुण भगवान, वास्तव में ये सतोगुण भगवान है, और यही श्री कृष्ण रूप में आए, यही श्री राम रूप में आए, ऐसे कथाएं जैसे वो उन्होंने बना रखी थी अपनी राम कहानी वो सुना रहा था। और विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर हैं, ये सर्वेश्वर है। तो परमात्मा वो सारी कथा सुना ली, तब परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी मैं आपसे, कबीर जी ने कहा विवेकानंद ऋषि से, रामानंद जी के ऋषि शिष्य से, कि मैं आपसे कुछ शंका समाधान चाहता हूं। प्रभु ने प्रश्न किया कबीर जी ने, तो विवेकानंद ने कहा ठीक है बच्चा, बोलो बोलो क्या प्रश्न है आपका, कि आपने बताया कि श्री सतगुण भगवान विष्णु जी हैं, सतगुण भगवान विष्णु जी हैं, हां जी, और यही सर्वेश्वर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है, हां ये मैं क्या बता रहा हूं, ये पुराणों में लिखा है। परमात्मा बोले शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6567 में लिखा है कि विष्णु का जन्म और शिवजी और दुर्गा से हुआ, शिव यानी काल ब्रह्म और दुर्गा से हुआ,
अब उसने वह शिवपुराण खोल के देखा, किसने? विवेकानंद ने, आपको दिखाते हैं। और ये थे वो दुष्ट आत्मा, जो उन्होंने भक्ति से कोई लेना देना नहीं था, ना कल्याण से किसी जीव के, उन्हें तो अपनी प्रभुता चाहिए थी। आंखें देख लिया, आंखों देख भी लिया, सचमुच शिव पुराण में नू का नू लिखा है, और फिर भी ना मान्या। इनको कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठ ते ने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में विदा दे। इसे संत ऋषियां कहते हैं स्वप्न में दर्शन नहीं करे दुष्टों के, जो आंखें देख कर नहीं मानते, फिर वो मानस थोड़े शैतान है वो तो। आज देखिए श्री शिव पुराण, संस्कृत शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार ओनली। और ये कहां से प्रकाशित और मुद्रित है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 98 पृष्ठ से आपको सुनाएंगे। यह है रुद्र संहिता, रुद्र संहिता संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ नंबर 98-98। इसके नीचे से प्रारंभ करते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अध्याय 5 और 6 यहां प्रारंभ होता। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अनान्य ग्रहों का और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी, उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये ज्ञान, और ब्रह्मा जी का ज्ञान सभी ऋषियों में और इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक व्यापक है। ये 100 पृष्ठ पर देखिएगा, 100 पृष्ठ पे। वहीं से लिंक आई, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने, जिसको निराकार कहते हैं वो के बन गया, अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी एक आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित यानी निराकार परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति चिन्ह में आकार भगवान सदाशिव है। भगवान सदाशिव, ये सदाशिव काल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी दुर्गा उसके शरीर से निकली, इसका सीधा अर्थ है, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित कहा गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, ये ध्यान रखना प्रकृति शब्द, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति गीता में आपको सुनाएंगे 14वें अध्याय में, तो प्रकृति शब्द काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, देवी को कहते हैं। उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। वो सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, उस शक्ति की 8 भुजा अष्टंगी, स्पष्ट हो गया। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। और जो वो शिव है, एकाग्नि होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। दुर्गा ने 3 रूप धारण किए थे, लक्ष्मी
सावित्री और पार्वती के ये तीन रूप धारण किए। ये स्पष्ट कर रहे हैं कि एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। सदाशिव ये काल है। आगे स्पष्ट होता है 101 पृष्ठ पर। वे ये सदाशिव कौन है? वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल ब्रह्म कहो चाहे सदाशिव कहो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, इनका पिता है और दुर्गा का पति है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस समय उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है, यानी एक ब्रह्मांड में सबसे ऊपर है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शिव शक्ति दुर्गा शिव ये काल वहां रहते हैं काशी मुख पर। काशीपुरी परम आनंद रूपिणी है मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया।